मतलब जो सहारा के भुगतान करे उसी के वोट दिया जाएगा। मोदी जी नहीं दे रहे, हम दे रहे, सब दलाल खा रहे हैं भोसड़ी वाले। इसमें राशन में कमी है, राशन में सब खा जा रहे हैं भोसड़ी वाले। ये गरीब दुखिया मर रहे हैं, कोई नहीं मिल रहा है राशन, एक किलो दो किलो कम हो रहा है राशन कट रहा है। सिलेंडर वाली आज के रेट में सिलेंडर का दाम घटा हुआ है, जीत ही जाएंगे फिर, आपकी 1300 था आपकी 1800 कर देंगे, ये तो हमको पूरा पक्का पता है। अच्छा, तो ऐसा जो रेट चला रहे हैं वही रेट करेंगे तभी सही रहेगा, नहीं तो ये फिर सरकार पलटते हुए पब्लिक को देरी नहीं लगेगी, कब पलट देगी सरकार। तो चुनाव 40 रुपए किलो आटा कर दिया, 50 रुपए किलो चावल कर दिया, मजूरी आ जाएगी तो 300 रुपया मजूरी, तो कहाँ से पब्लिक पालेंगे बच्चे को अपने 5 किलो राशन। अरे मोदी की चुनौती यही है, मोदी गरीब आदमी को राशन दे मुफ्त में, मुफ्त में काज बनवाए, सब कुछ करें तो अच्छा है मोदी, नहीं तो मोदी खराब है। राशन ज्यादा है, जो हम लोग का है गरीबों का वो नाम कट जा रहा है, अब 5 यूनिट है तो 2 यूनिट मिल रहा है, ऐसे ऐसे सब लोग सरकार में बनाए हैं। मतलब राशन आपको मिले संपन्न करा दिए गए हैं, पूर्वी उत्तर प्रदेश में हमारी मौजूदगी है, और अगर हम बात करें आप देश के किसी भी शहरों में, या दिल्ली हो या मुंबई हो या अहमदाबाद गुजरात या पटना हो, किसी भी शहरों में जाएंगे तो चौराहों पर ये आप देखिए तो लोग रोजगार की तलाश में गांव से शहरों के रुख करते हुए लेबर जो है वो आपको मिल जाएंगे, और ये दिन भर सिर्फ उस इंतज़ार में रहते हैं कि कहीं ना कहीं दो वक्त की रोटी का इंतज़ाम हो जाए और रोज़गार मिल जाए। दूसरी तरफ सरकार कह रही है कि हमने रोज़गार दे दिया, हमने स्वरोजगार को बढ़ावा दिया, हमने पक्के मकान दे दिए, हमने लोगों को गैस सिलेंडर बांट दिए। सच्चाई जानना जरूरी है, चुनावी माहौल है, हम देश के तमाम हिस्सों में अलग अलग हिस्सों में पहुंच रहे हैं, इसी के तहत हम गोरखपुर में हैं, गोरखपुर को मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ का गढ़ कहा जाता है, बीजेपी का गढ़ कहा जाता है, तो जाहिर सी बात है इनकी समस्याएं यहां से जानना और ज़रूरी हो जाता है, क्योंकि बीजेपी सत्ता पर काबिज है पिछले 10 वर्षों से। पहली बात हम इनसे नाम पूछेंगे और समस्याओं को पूछेंगे, क्या नाम पड़ेगा? वीरेंद्र नाम पड़ेगा। क्या लगता है 10 वर्षों में मोदी सरकार ने कितना काम किया है आप लोगों के लिए? बढ़िया काम किया है, अच्छा काम किया है। तो गैस सिलेंडर वगैरह मिलता है कि नहीं, जो उज्ज्वला कनेक्शन का मिला, और प्रधानमंत्री आवास योजना की बात करती है सरकार, हाँ। तो क्या पक्का मकान का पैसा आपको मिला? नहीं, हमको नहीं मिला, गांव में मिला है सर। आपको नहीं मिला? नहीं। तो कभी प्रधान वगैरह से आपने कहा बात को? कहा है, लेकिन कहते हैं अगले चुनाव में, कोई कहता है साल भर के बाद, ऐसे कहते हैं साहब। तो अब तो चुनाव आ गया है, चुनाव करीब है, वोट मांगने नेता लोग तो पहुंचेंगे आपके? हाँ पहुंचेंगे साहब। तो अब तो कहेंगे ना अपनी समस्याएं, क्या लगता है? अच्छा, सरकार सुनेंगी आपकी बात को, तो सरकार से क्या कहना चाहते हैं? प्रधानमंत्री मुख्यमंत्री जी यहीं से आते हैं, योगी आदित्यनाथ जी। भाई अपनी समस्याओं को बताएं, कैसे आप दिन भर यहाँ खड़े रहते हैं भाई? आप हम लोगों को रोजगार, कोई ना कोई रोजगार चाहिए साहब, हाँ, तभी ना हम लोगों का पेट पर्दा। देखिए ना, यहाँ खड़ा है हम लोग दिन भर, 12 बजे तक खड़ा रहेंगे, नहीं काम मिलेगा तो चले जाएंगे घर रूम में। क्या नाम पड़ेगा? अनीस। क्या लगता है कि आप दिन भर यहाँ खड़े रहते हैं, कभी रोजगार मिलता भी होगा, कभी नहीं भी मिलता होगा? कभी मिलता है, कभी नहीं मिलता है। तो सरकार कह रही है कि हमने रोजगार लोगों को दे दिया है, गरीबों को दे दिया है, आप तो इतना पब्लिक खड़ा रहता है, दिए होते रोजगार तो इतना पब्लिक खड़ा रहता है, ये सब लोग रोजगार पे अपने लगे रहते हैं, कुछ लोग पाए हैं कुछ नहीं पाए हैं। यही हिस्सा तो, यही अगर आप यही तस्वीर तो लगभग देश के ज़्यादातर शहरों के चौराहों पर देखने को मिलती है सुबह। हाँ, हर जगह कई चौराहे पे ऐसे ही लेबर बाजार लगती है, हाँ, घंटाघर में लगती है, यहाँ लगती है। अच्छा, राशन वगैरह मिलता है कि नहीं सरकार की तरफ से जो आता है? हमको नहीं मिलता है राशन, नहीं मिल रहा है। हाँ। आपको पक्का मकान है कि नहीं? नहीं है मकान, जैसे आवास पड़ा था गांव के प्रधान दूसरा हुआ तो कटवा दिया, आवास नहीं मिला, आवास का भी पैसा नहीं मिला। हाँ हाँ, कटवा दिया। कोई पैसा आपको अभी तक सरकारी योजना नहीं मिलती है? कुछ नहीं, अपनी योजना है, कमाएंगे तो मिलेगा, तो नहीं कमाएंगे तो ये भी तो आपका ये निर्धारित नहीं होता होगा कि आज रोजगार मिला कल नहीं मिलेगा? हाँ, ये भी आज मिला कल नहीं मिला, यहाँ गारंटी थोड़ी है। क्या कर, जैसे आज मिलता है तो कल नहीं मिलता है, और जैसे मोदी सरकार बोलते हैं कोई दुनिया में गरीब नहीं है, ऐसे से लोग जो प्रधान है जो अमीर गरीब है उसका कुछ करना नहीं, का खाली बातों में क्या कहते हैं, अरे करेंगे, जब लोट ले लें टाइम माता बहनों हम आपका सब करेंगे, और जब जीत जाते तो चेहरा तक भी नहीं उठाते हैं। मान लो वो कोई बाय चांस जाता भी है, अगर उनके द्वारे 10 बार तरुआ चाटने जाए तो सुने तो मुँह घुमा के चले जाते हो जाए। तो नेताजी लोग आपके गांव में पहुंचेंगे, चुनाव आ गया है, नेता लोग खाली अपना सत्ता जमाने के लिए भाषण देते हैं, जितना भाषण देते हैं वो खाली अपने घर चमकाते हैं, अपने सत्ता चमकाते हैं सबको, सब गरीबों को थोड़ा राशन मिलता है, किसके पास सब कुछ है, बहुत लोग के पास कुछ नहीं है, बहुत गरीब पैसा लगा करके अपना कागज पत्र बनवा लेते हैं, दलाली तो हर जगह चल रहा है।
दलाली चल रहा है यानी अभी आप कह रहे हैं। अच्छा प्रधान जी तक आप गए थे कि हमको भाई आवास नहीं, हमारे पास पक्का मकान नहीं है, तो प्रधान जी की तरफ से आपको क्या कहा गया था? प्रधान जी की तरफ से रहता था, अच्छा से पिछले चुनाव आएगा तो कर देंगे। तो चुनाव तो अब आ गया भाई, चुनाव जब आता है तो जैसे 12 लोग है कुछ गरीब लोग, तो किसी के काम होता किसी के नहीं होता। अगर जाते हैं तो उनको टाइम नहीं दे, घर में रहेंगे बोलेंगे लखनऊ चले गए, यहाँ चले गए, ऐसे ऐसे बहुत लोग को चुतिया बना के चले जाते हैं। क्या लगता है मोदी जी ने अगर काम अच्छा किया है कि नहीं किया है? मोदी जी सब कुछ अच्छा कर रहे हैं लेकिन गरीबों को बीच में ही अटका दे रहे हैं। प्रधान खा रहे हैं पैसा ना, ठेकेदार खा रहे हैं ना। यहाँ के जो प्रधान है साहब वो खा लेता है। मजदूर आदमी को कहाँ पैसा मिलता है, पैसा तो बड़कवा खा जाते हैं, दलाली कर लेते हैं बीच में, बड़े 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 आदमी छोटे। सरकार तो कह रही है कि हमने दलाल भ्रष्टाचार, सरकारी भ्रष्टाचार बेचारे खाली पब्लिक को मार रही है, पब्लिक को मार रही होगी, पब्लिक को मरवा रहे हैं, होगी मोदी पब्लिक को मरवा रहे हैं। महंगाई क्या लगता है, महंगाई क्या बात? राशन कर दिया 40 रुपए किलो, आटा कर दिया 50 रुपए किलो, चावल कर दिया, मजूरी आ जाएगी तो 300 रुपया मजूरी, तो कहाँ से पब्लिक पालेंगे बच्चे को अपने? 5 किलो राशन। अरे मोदी की चुनौती यही है, मोदी गरीब आदमी को राशन दे मुफ्त में, अपने काज बनवाए सब कुछ करें तो अच्छा है मोदी, नहीं तो मोदी खराब है। तो 80 करोड़ लोगों तक सरकार दावा कर रही है कि राशन है, कहाँ दिया है? अब कोई गरीब भाई को मिला हो फुटबाथ पे पड़े, इनको मिला तो जाने दे रहे हैं, दे तो रहे, जिनका चार चार पहिया है, पांच पांच पहिया है, 20-20 गाड़ियां हैं, उनको मिल रहा है। गरीब आदमी को मोदी जी नहीं देख रहे हैं, हम जा रहे हुर उनको दे रहे हैं मोदी जी। गरीबों की नहीं सुन रही है मोदी सरकार, ऐसा ये लोग कर, क्या कहना चाह रहे थे? पहले मतलब साहब जो है क्योंकि चुनाव करीब है, चुनाव में सिर्फ नेता आपके वहाँ जरूर आएंगे वोट मांगने, तो आप वो सवाल यहाँ से पूछिए जो आपकी आवाज़ प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी तक पहुँचे और बीजेपी के सिर्फ नेतृत्व तक पहुँचे, क्योंकि सत्ता पर 10 साल से बीजेपी काबिज। जिसके साहब धन है उसी को मिल रहा है राशन ज़्यादा, और जो हम लोग का है गरीबों का वो नाम कट जा रहा है, अब 5 यूनिट है तो 2 यूनिट मिल रहा है, ऐसे ऐसे सब लोग सरकार में बनाए हैं। मतलब राशन आपको मिल नहीं रहा है जो जितना मिलना चाहिए मात्रा से कम है? नहीं मिल रहा है। क्या करे, कई बार राशन कार्ड के लिए गए, प्रधान ने राशन कार्ड नहीं बना के दिया मेरा, बताओ कौन सा गांव पड़ेगा? शायद प्रधान जी सुनेंगे तो लगता है अब उनकी राशन कार्ड खीरी, लखीमपुर खीरी, लखीमपुर खीरी, प्रधान के पास गए, वीडियो के पास गए, सेक्रेटरी के पास गए, किसी साले ने नहीं सुनी है, वो तो बड़े की सुनते, सिग्नल नहीं मिल रहे हैं, सिग्नल नहीं मिल रहे हैं, वो नहीं मिल रहा है, तुम्हारा अभी रुक जाओ थोड़े दिन में बनेगा। अब बनते बनते आज जो बुढ़ा के दाढ़ी सफेद हो गई, राशन कार्ड अभी भी नहीं बना है। पब्लिक सरकार 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 बोलते हैं इतना लगेगा उतना लगेगा तब बनेगा, जैसे कोई गरीब है तो अभी बनेगा, नहीं पैसा बनेगा तो नहीं देंगे। देखिए सरकार सरकार कह रही है कि भ्रष्टाचार हमने देश से ख़त्म कर दिए हैं, और जो ग्लोबल इंडेक्स की रिपोर्ट है वो भारत के आंकड़े भी कुछ और प्रदर्शित करती है, वो आंकड़े सच्चाई यहाँ से कहीं ना कहीं जो ये मजदूर तबके के लोग हैं वो खोलते हुए सरकार की एक तस्वीर नज़र आ रहे हैं। क्या कहना चाह रहे थे आप? काफ़ी मैं यही कहना चाह रहा हूँ कि आवास हमको मिला हुआ था, प्रधान जी से हमने बोला कि आवास दे दीजिए, तो बोले कोई बात नहीं, आपका नाम है तो हम आवास आपको दे देंगे, यानी सबके किसी के पास मकान था उसको भी मिल जाए, जिसके पास नहीं था उसको भी मिला, फिर भी हमको नहीं दिए, हमारा आवास कटवा दिए, और गड्ढा आया हुआ था 1.5 फुट का या जो भी आया हुआ था, हमारे घर में एक अंधी माता है वो द्वार पे चली जाती हैं, थोड़ा रास्ता भी कम है, गड्ढा भी नहीं दिए। ये लोग कहने का मतलब ये है कि मतलब ऊपर से कड़ाई नहीं है, अगर ऊपर से ये लोग कड़ाई करते तो ऐसा नहीं होता, तो यही मेरा रिक्वेस्ट है। 10 साल चलाए हैं, किसी तरह चलाएं चलो ठीक है, लेकिन अब से अगर ये सुधार कर लें तो बढ़िया है। तो अब तो 400 पार की बात कर रही है बीजेपी, 400 पार करें जो मर्जी करें, देखिए तो वोट देंगे कि नहीं देंगे? वोट तो भैया हम बीजेपी को देते हैं, ऐसी बात नहीं, हम उनके खिलाफ में नहीं हैं, ठीक है, लेकिन रह गया देंगे भी, ऐसी बात नहीं है, लेकिन बढ़िया अच्छा से काम करें, जो कह रहे हैं गरीब मजदूर उनको रोजगार दें और भी दें, हमारी यही उनसे रिक्वेस्ट है। जिसको वोट दिया जाएगा जो सहारा के भुगतान करे उसी के वोट दिया जाएगा। मोदी जी नहीं दे रहे, मोदी जी नहीं दे रहे, हम आज दे रहे थे, सब दलाल खा रहे हैं भोसड़ी वाले, राशन इसमें राशन में कमी है, राशन में सब खा जा रहे हैं भोसड़ी वाले, ये गरीब दुखिया मर रहे हैं, कोई नहीं मिल रहा है,
राशन 1 किलो 2 किलो कम हो रहा है, राशन कट रहा है। हाँ राशन कट रहा है, 1 किलो आधा किलो कट रहा है राशन। आवास का पैसा मिला क्या आपको? आवास का पैसा मिला है, काट लिए हैं, ले लिए प्रधान जी, मतलब पैसा कट गया ये क्या देखी बात। चलिए ठीक है, रह गई बात सिलेंडर वाली। आज के रेट में सिलेंडर का दाम घटा हुआ है, जीत ही जाएंगे फिर, आपकी 1300 था आपकी 1800 कर देंगे, ये तो हम हमको पूरा पक्का पता है। अच्छा तो ऐसा जो रेट चला रहे हैं वही रेट करेंगे तभी सही रहेगा, नहीं तो ये फिर सरकार पलटते हुए पब्लिक को देरी नहीं लगेगी, कब पलट देगी सरकार। अब तो चुनाव आ गया भैया, एक चढ़ आ गया तो फिर जैसे सब बारी देखे हैं इस बारी भी देखते हैं, इस बारी नहीं करेंगे तो उनकी पार्टी जाएगी ही जाएगी। ठीक है, मेरी यही रिक्वेस्ट है कि अच्छा से और भी लोग हैं, और भी लोग हैं, कहाँ से आते हैं भैया, कहाँ से आते हैं, काम करके आ रहे हैं, बताइए चुनाव आ रहा है सरकार कैसा काम किया भैया? सरकार तो सबसे बेकार है, सरकार बेकार है, सरकार बेकार है, किधर आइए, ट्रैफिक ना लगे, ट्रैफिक बात, इधर आइए इधर आइए इधर आइए। अच्छा चलिए कोई बात नहीं, कहाँ से आते हैं भैया? देवरिया से आते हैं। क्या लगता है आप भी मजदूरी करते हैं? जी। खर्चा पानी चल जाता है, रोज रोजगार तो मिलता नहीं होगा? अरे नहीं, कभी काल मिलता है कभी काल नहीं मिलता है। कैसे खर्चा चलता है भाई? प्रधानमंत्री जी तो बीजेपी कह रही है हमने बड़ा काम कर दिया। अरे गरीबों को सता रहे हैं, अमीरों को बना रहे हैं, तो क्या गरीबों को सता रहे हैं? हाँ राशन वोशन नहीं मिल रहा, वही काम है। हाँ राशन मिलता तो यहाँ क्या करने आते हैं, लेबर ही करने आते हैं, बताइए हम लोग खाते उसमें काट लेते हैं, काला धन में हो गया है, क्या कर रहे हैं बताइए प्रधानमंत्री जी की शायद आपकी बात बताइए। यहाँ पर अगर प्रॉपर्टी बेच के सहारा मैं कर दिया हूँ तो काला धन में आ गया है, हमारा प्रॉपर्टी का पैसा मिलना चाहिए कि नहीं मिलना चाहिए? प्रधानमंत्री आवास कच्चा मकान है क्या आपके पास? हाँ पक्का मकान है। तो प्रधानमंत्री आवास योजना कैसे मिलेगा फिर आपको? आवास हम नहीं देंगे प्रधानमंत्री। हाँ क्या कर रहे हैं, दो दो बार आपने आवास के लिए आवेदन किया था? हाँ दो बार नहीं मिला इसीलिए तो। चलो क्या कह रहे हैं, क्या कहा था भैया बताइए बताइए, हम क्या कहेंगे, हम तो बोलेंगे सब जो हो रहा है सही हो रहा है, जो हो रहा है तो सही हो रहा है। तो देश का कोई भी शहर हो या दिल्ली मुंबई या कोलकाता या फिर पटना या फिर देश के कोई भी कोने में आप जाएंगे तो सुबह के सवेरे देश के चौराहों पर गांवों से रुक करते हुए लोग शहर की तरफ आएंगे और शहर के दो रोटे के वक्त की तलाश में निकलते हैं कि शायद आज दो वक्त की रोटी का इंतजाम हो जाए। क्या कहना चाह रहे हैं? अरे हमारे भाई बुला रहे हैं इनको, देखिए कुछ बात करेंगे ना समझदार आदमी। आप बताइए वोट के के देवे बा? अरे भाई जो मोदी जी देव बा और के के देव बा? राशन उशन मिला ला कि नहीं? राशन उशन सब मिला ला भैया, बात ये है। अरे आप बताइए, हम लोग लेबर मजदूरों के बारे में बात करेंगे, वही बताइए समस्या भाई। बात ये है कि देखिए यहाँ कितने लेबर हम मिस्त्रियाँ हैं, मैं मिस्त्री का काम करता हूँ, हमारे भाई मिस्त्री सब भाई हमारे, यहाँ परेशानी यह है कि लेबर में जब काम नहीं मिलता, जब मुंह लटका के 11 बजे तक घर जाते हैं, सबसे बड़ा समस्या यह है कि घर परिवार को चलाना, पहले एक मिनट घर परिवार चला, हम अगर नहीं कमाए आए हैं, अगर नहीं कमाए मैं घर जाऊंगा कि नहीं जाऊंगा, कहाँ जाऊंगा, राजघाट छोड़ जाऊंगा, जाऊंगा मैं घर, परिवार पूछेगी, पापा चाहे औरत पूछेगी कि कमा कही ला भाई, सब्जी लाए हुआ तेल लाए हुआ, ये कहाँ से आई मजदूरी, हम लोग परेशान इतना हैं, ये न सरकार सुन, अब मैं किसी को दोष नहीं दे रहा हूँ, हम लोग सरकार से सवाल तो आप करेंगे, मैं ही सवाल कर रहा हूँ ना, सवाल यही मैं कर रहा हूँ कि जो हम जाते हैं काम नहीं मिलता है, हम पर लोग परेशान हैं, इस पर कोई बात कुछ मत यार, अब बोलियो बुरु जो बोले तो हम झाड़ जब कुछ सब नहीं बोलिया, हम बात पूरा कह लो, कुछ जरूरी बात हुआ सरकार, हमारी मतलब यह है हमारे मिस्त्री आदमी, देखिए इसका पोता फूला हुआ, देख नीचे करिए, इसका ऑपरेशन के लिए पैसा नहीं है, हम मिस्त्री हैं, हमारे साथ बहुत मेहनत करता है जवान से, देखिए ढटरी हो गया, ढटरी हिल गया है, मजदूरी करते खाने को मिलेगा नहीं, समय से काम तो करना ही है, मालिक तो ठठाइबा करेगा, 6 बजे तक हो जाए कोई बात नहीं है, मजदूरी वही मिलना है, लेकिन हालात जो आज हम लोगों का परिवार में है मजदूर पार्टी में, सवाल ये है कि हम लोग काम नहीं करते तो हम लोग पास कहाँ से पैसा आएगा, कहाँ ज़रूरत पूरा करेंगे हम अपने परिवार का या अपने जी आप बीती जीवन का, हम लोग इससे परेशान हैं, एक कहीं कुछ ऐसा व्यवस्था सरकार करे कि जो लेबर मिस्त्री घूम के जा रहे हैं एक ऑफिस खोल दें कि भैया मुझको काम नहीं मिला,
हमें अपना नाम बता नोट करवा दो, सरकार उस खाते में उसको रोज खाने के लिए कम से कम सरकार पैसा दे। चाचा बहुत बड़ी बात कर रहे हैं सरकार के लिए, सरकार बहुत बड़े हैं ना हम लोग। अभी 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 आपसे हम बहुत बात करेंगे, हमसे मत चूंकि हम थोड़ी आपकी समझ, हम कमाने आए ना, हम अपना ग्राहक तलाशते हैं। एक काकरोच एक छिपकिल काकरोच काव नहीं जमीन चलेगी उ बिलनी, एक बिलनी हम लोग दोपहरिया में देखिए खाना खा करके दीवार पर, हम लोग 9 इंची का दीवार उस पर सोए थे दो आदमी, एक आदमी जो मेरा लेबर है वो थोड़ा फिट फाट आदमी है, वो दूर से देख रहा कि दीवार पर एक काकरोच को, एक काकरोच को तेलपियाना जैसे कह रहे हैं भोजपुरी में, काकरोच को बिलनी बिलनी के उजाना से हेन्नी बड़ी रहे, लेकिन यहाँ से ले करके नीचे से और यहाँ तक बिलनी खींच करके ले गई थी। और दोकचा में जैसे मड़ई हम लोग बनाते हैं घर, उसमें जब रहे तो वह जो है कि एम्बेसडर कार के तरह से खड़ी हो गई, एक बिलनी एक तेलपियाना को नीचे से खींच के ले गई। सोचिए अब इतनी बड़ी है वो काबतौली है बिलनी बिलनी, वो तेलपियाना की खींच के वहाँ तक ले गई। सोचिए और भी लोगों से क्या कह रहा था साहब, यही कह रहा हूँ कि मान लीजिए लेबर मिस्त्री का मजदूरी बढ़ नहीं रहा है, इसके पे सरकार कोई निगाह नहीं कर रहे। जैसे आदमी हम लोग हैं लेबर मिस्त्री, अभी जहाँ भी काम करने जा रहे हैं कोई पैसा भी नहीं देता है, इसके लिए कोई भी एक बढ़िया ऑफिस खुलना चाहिए कि मजदूर लेबर को पैसा नहीं मिलने पर हम लोग कुछ कार्रवाई कर सकें ताकि वो पैसा हमारा दे दें, सुनवाई हो। खें बहुत बहुत बदतमीज लोग मिलते हैं इस शहर में, राशन वासन मिलने लग रहे हैं। राशन तो साहब मिलता है, 5 यूनिट है लेकिन 2 यूनिट काट लेते हैं, 3 यूनिट मिलता है, यही है। आवास वगैरह पक्का मकान है? आवास वास नहीं मिला है, नहीं मिला। चलिए, रोजगार की तलाश में अपने घरों से निकले ये लोग, और कहीं ना कहीं चुनावी माहौल के बीच सरकार से ये गुहार लगा रहे हैं कि जो समस्याएं हैं वो समस्याओं को सरकार सुने, और वो समस्याएं जो कहीं ना कहीं जो एक धन है वो धन सरकार से सत्ता से तो निकलता है लेकिन इन तक पहुंचने में कहीं ना कहीं वो बीच में बिचौलिए के हाथ में चला जा रहा है। इसको लेकर ये प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से अपनी गुहार लगाते हुए नज़र आ रहे हैं।